माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि जींस की खरीद पर बोनस नहीं दिया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में किसी भी जींस की खरीद पर बोनस नहीं दिया गया है। खंड दो, चना, सरसों व गेहूं की खरीद पर किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पूर्व सरकार ने वर्ष 2018-19 में चना पर 200 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया, इसी तरह से वर्ष 2017-18 में मूंगफली पे 200 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग पे 200 रुपये प्रति क्विंटल और 200 रुपये प्रति क्विंटल उड़द पे बोनस दिया गया, क्या ये इस बार प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस बार शीतलहर की वजह से सरसों में 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, तापमान ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस बार चना और गेहूँ में भी काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है, पैदावार कम, उपज कम होगी, क्या इन पर सरकार बोनस देने का विचार रखती है 300-400 रुपये? बोनस देने का कोई विचार सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न श्री गोपाल।